इसके अंदर हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ना है एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ना है और स्लाइडिंग इन मॉडल देखना है एंड वॉक अलॉन्ग थेरी हमने देखनी है ओके ओके स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन तो मायोसिन एक्टिन क्या थी इफ यू रिमेंबर दीज वर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स तो जी मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है ओके स्टार्टिंग विद पहले ये मायोसिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और ये मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है मायोसिन फिलामेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स तो लेट्स स्टार्ट विद मायोसिन मॉलिक्यूल ओके मायोसिन मॉलिक्यूल में क्या होता है जी मायोसिन मॉलिक्यूल की एक टेल होती है और एक हेड होता है सो दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड ये टेल किस तरह बनी होती है टेल इज मेड अप ऑफ टू हैवी चेन्स दो हैवी चेन्स एक दूसरे के ऊपर वाइंड करके टेल बनाती हैं ठीक है एंड यू सी के एक हैवी चेन द पिंक वन देखो तो ये ऊपर की साइड पे निकल गई है और जो दूसरी ब्लैक वन है वो नीचे की साइड पे आ गई है तो ये दोनों जो जो टेल में टू हैवी हैं वो एक दूसरे के ऊपर वाइंड की होती हैं मगर हेड के पोर्शन में जाके ये दोनों चेन अलग अलग हो जाती हैं और ये चेन यहां पे हेड के पोर्शन में चली गई है और अपने ऊपर ही जाके ये वाइंड कर गई है ठीक है पहले तो एक दूसरे के ऊपर थी यहां पे अपने ऊपर ही जाकर व्हाइंड करिए और यहां पे दूसरी चेन यहां पे निकल गई है और ये भी यहां पे जाकर अपने ऊपर ही वाइंड करिए तो बेसिकली टू हैवी चेन्स के बारे में अभी तक मैंने बताया टू हैवी चेन्स के साथ साथ फोर लाइट चेन्स भी होती हैं मायोसिन मॉलिक्यूल में और वो फोर लाइट चेन्स कौन सी होती हैं वन टू थ्री एंड फोर दीज आर द फोर लाइट चेन्स और ये फोर लाइट चेन्स सिर्फ होती हैं हेड में ठीक है सो दिस इज द हेड दिस इज द टेल टेल इज मेड अप ऑफ टू चेन्स वेयर एज हेड इज मेड अप ऑफ वन टू थ्री फोर लाइट चेन्स एंड अलॉन्ग विद टू हैवी चेन्स ये वन और टू तो ये दोनों हेड्स का मैं बता रहा हूं अगर हम एक हेड को देखें तो एक हेड के अंदर क्या होता है एक हेड के अंदर वन हैवी चेन एंड टू लाइट चेन्स आती हैं कलेक्टिवली हम कहते हैं कि जी मायोसिन मॉलिक्यूल ये जो सारा है ये टू हेवी चेन्स और फोर लाइट चेन्स से बन के uh, मिलके बनता है ओके सो हैव टेल है टू हेवी चेन्स फोर लाइट चेन्स ओके तो ये तो हो गया मायोसिन मॉलिक्यूल अब मायोसिन ढेर सारे मायोसिन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं मायोसिन फिलामेंट अब ये मायोसिन मॉलिक्यूल है दिस इज वन मॉलिक्यूल इस तरह के अराउंड 200 हंड्रेड मायोसिन मोलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं मायोसिन फिलामेंट अब इसके अंदर टू हंड्रेड मायोसिन ये पूरा मायोसिन फिलामेंट बनाया हुआ ठीक है अब मायोसिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर में क्या होता है मायोसिन फिलामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं वन इज बॉडी देन हिंजिस एंड द क्रॉस ब्रिजेस बॉडी हम किसे कहेंगे ये जो सेंट्रल पूरा पोर्शन है जो कि सारी मायोसिन मॉलिक्यूल्स की टेल्स से मिलके बनता है तो दैट इज बॉडी ऑफ मायोसिन फिलामेंट। ये सारी बॉडी है ठीक है दिस वन इज द बॉडी जो कि बनी है मायोसिन मॉलिक्यूल्स की टेल्स से, ठीक है अब इस बॉडी के अंदर से क्या निकलते हैं इस बॉडी के अंदर से बेसिकली ये हेड्स निकल रहे हैं मायोसिन मॉलिक्यूल का हेड था ना वो ये बॉडी के अंदर से इस तरह निकल रहा है ये मायोसिन मॉलिक्यूल की टेल जो थी ये बॉडी के अंदर चलेगी सारों की टू हंड्रेड मायोसिन मॉलिक्यूल्स की जबकि इसका जो है ये हेड है ये यहां से मायोसिन फिलामेंट के बाहर से निकल जाता है ठीक है यूं बाहर निकल जाता है यूं बाहर निकल जाता है यूं बाहर निकल जाता है मगर अगर, अगर आप गौर करो तो इसके हेड के साथ यहां पर पीछे थोड़ा सा और पार्ट भी आ रहा है बाहर ऑफ दिस मायोसिन मॉलिक्यूल टेल और इसको हम कहते हैं आम ठीक है तो ये हेड है और ये इसके साथ ये इसकी आम ये हेड है और ये इसकी आम है साथ ठीक है तो ये हेड और आम मिलके क्या बन जाती है क्रॉस ब्रिज क्रॉस ब्रिज हम इसे कहते हैं हेड विद आम को हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं और ये क्रॉस ब्रिज ये किस चीज के बीच में ब्रिज है दिस इज द ब्रिज बिटवीन मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन तो फिलामेंट ये सारा एक्टिन फिलामेंट बना हुआ तो ये मायोसिन फिलामेंट है और इसके बीच में ये हेड है ऊपर मायोसिन मॉलिक्यूल में देखा था ठीक है सो दिस इज द क्रॉस ब्रिज ये क्रॉस ब्रिज लेबल की हुई है विच इज बेसिकली आर्म प्लस हेड दिस इज लेबल्ड आर्म एंड दिस इज लेबल्ड हेड अच्छा अब आम क्रॉस ब्रिज के अंदर हिंज होती हैं हिंज वो चीज होती है कि जिस जगह पे मूवमेंट होती है नंबर वन हिंज इज दिस पॉइंट अदर हिंज इज पॉइंट ठीक है यानी कि जिस जगह पे मूवमेंट हो सकती है तो वो इस वक्त मूवमेंट कौन से ज्वाइंट हो रही है यहां पर हो रही है सो दिस सुधिस हिंस ठीक है दिस दिस वन वन ठीक तो इन दो पॉइंट पे मूवमेंट हो सकती है इन अ क्रॉस ब्रिज तो ये हिंज हो गई हो गई ये हिंज है ये हिंज है ये हिंज है ये ठीक तो एक क्रॉस में टू हिंज होती है कि जहां कि जहां पे मूवमेंट हो सकती है ठीक हो गया अच्छा अब ये तो स्ट्रक्चर था मिसाल के तौर पे ये इस तरह पड़ा हुआ था मायोसिन फिलामेंट अगर मायोसिन फिलामेंट को इस सेक्शन के बजाय क्रॉस सेक्शन इस तरह देखें दिस क्रॉस सेक्शन अगर हम इसका देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर से जो हेड्स निकल रहे हैं ना वो हेड्स इस तरह निकल रहे हैं कि सारे हेड्स दूसरे हेड से 120 का एंगल बनाते हैं ठीक है अब ये तो ये वाला व्यू है ना हमारे मत अगर हम इसको यूं उठा के इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें ठीक है तो सारी बात है यहां से हेड निकल रहा होगा यहां से हेड बाहर निकल रहा होगा यहां से हेड बाहर निकल रहा होगा यहां से हेड बाहर निकल रहा होगा ठीक है ना इस तरह हेड्स बाहर निकल रहे होंगे तो हेड्स का एक दूसरे से क्या एंगल क्या बनता है ठीक है हेड्स का एक दूसरे से एंगल बनता है वन ट्वेंटी डिग्रीज का तो ये इस ये cross cross है। है? तो इस तरह है, क्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ है ठीक है एंगल बनता है इसका और इसका वन इसका और इसका 120 तो इसका मतलब पूरे सर्कल में वन 120 थ्री सिक्सटी डिग्री तो ये थ्री हेड निकलेंगे बाहर और आपको पता होता है हर हेड ने जाके एक एक्टेन के साथ क्रॉस एक्टिन uh, के साथ बाइंड होना होता है ठीक है तो इसका मतलब है एक मायोसिन के इर्द गिर्द तीन एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं एक मायोसिन के इर्द गिर्द तीन एक्टिन फिलामेंट्स हैं और उन तीन एक्टिन फिलामेंट्स के लिए तीन हेड्स बाहर निकल रहे हैं और वो जाके उन एक्टिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड कर जाएंगे ठीक है अब एक मायोसिन के इर्द गिर्द तो तीन एक्टिन है ये ब्लू में एक्टिन बनाया हुआ मैंने ये एक् और ये मायोसिन ब्राउन मगर इंटरेस्टिंगली एक एक्टिन के इर्द गिर्द कितने मायोसिन होते हैं एक एक्टिन के इर्द गिर्द मायोसिन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जबकि एक मायोसिन के इर्द गिर्द तीन एक्टिन होते हैं अब ये स्ट्रक्चर इस तरह अरेंज हो जाएगा मिसाल के तौर पर यह है एक अब इसके इर्द गिर्द कितने होंगे इसके इर्द गिर्द भी तीन एक्टिन होंगे तो तो यहां पर एक एक्टिन बन जाएगा अराउंड यहां पर बन जाएगा फिर यहां पर और बन जाएगा ठीक है एक दो तीन इसके इर्द गिर्द हो जाएंगे इसके इर्द गिर्द भी तीन होने चाहिए एक पहले एक ये और एक ये फिर एक यहाँ बन जाएगा इसके इर्द गिर्द भी तीन होने चाहिए एक दो तीन एक यहां बन जाएगा ठीक है तो इस तरह करके इन सारों की अरेंजमेंट होती है आपस में और फिर इसके इर्द गिर्द भी तीन होते हैं मायोसिन एक दो ये दो मायोसिन और यहाँ पे इसका तीसरा मायोसिन तकरीबन यहां पर पड़ा होगा ठीक है और ये फिर इस तरह अटैच हो रहे होंगे एक दूसरे के साथ Okay. तो ये इस तरह की कुछ अरेंजमेंट पड़ी होती है पूरे सार के अंदर ठीक हो गया ये तो हो गया हमारे पास मायोसिन का स्ट्रक्चर मायोसिन फिलामेंट का मायोसिन मॉलिक्यूल का और मायोसिन की अरेंजमेंट किस तरह होती है विद रेफरेंस टू एक्टिन फिलामेंट्स अब एक मायोसिन तीन थे एक्टिन और एक छे थे तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास मायोसिन होंगे उनसे डबल एक्टेन हमारे पास होंगे ठीक है तो मायोसिन का नंबर हाफ होता है टू एक्टेन ये पॉइंट भी याद रखना इट्स ए गुड एम्सिंग पॉइंट अच्छा इसके बाद एक और डायग्राम बनी हुई गाइडन के अंदर जिसके अंदर फर्दर एबोरेट किया हुआ इसके स्ट्रक्चर को विच इज वन। तो ये पूरा मायोसिन फिलामेंट है और ये एक मायोसिन मॉलिक्यूल दिखाया हुआ ठीक है ये इसकी टेल होगी और ये इसका हेड हो गया अच्छा अब यहां पर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ मायोसिन मॉलिक्यूल को वन इज जो टेल वाला पार्ट है लाइट मीरो कहा गया है और जो हेड वाला पार्ट है उसको हैवी मीरो कहा गया है है ठीक इसे हैवी मीरोन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर हैवी चेन भी है और लाइट चेन भी है दोनों है तो इसे दैट इज हैवी है दोनों तरह की चेन है उसको लाइट मीरोन कहा गया क्योंकि ओनली वन टाइप ऑफ चेन ही है ठीक है तो मायोसिन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड इनटू लाइट मीरो मायोसिन यहां तक वाला यहां से यहां तक वाला पार्ट और यहां से आगे वाला पार्ट इज हैवी मीरो मायोसिन ओके अच्छा अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया मायोसिन का अब हम पढ़ते हैं एक्टिन का स्ट्रक्चर और उसके बाद फिर इनका इंट्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे कि आपस में ये होता गया है इनमें ठीक हो गया अच्छा चलो सो दिस इज द स्ट्रक्चर अब इस स्ट्रक्चर में गाइटन की डायग्राम ही है थोड़ा जूम आउट इन साइज थोड़ा बड़ा किया हुआ मैंने ठीक है अब इसमें आपने गौर करना है basically, actin filament तीन कंपोनेंट से बनता है। ये ऑरेंज के अंदर जो तीन हाईलाइटेड हैं, वन टू थ्री ये तीन पार्ट्स पे एक्टिन फिलामेंट बना होता है ठीक है एफेक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स अब इन तीनों को हम समझते हैं कि इनके तीनों का आगे फर्दर स्ट्रक्चर किस तरह बना होता है अब एफ एक्टिन ये सारा मैंने लिखा हुआ है एफ एक्टिन के बारे में कि एफ एक्टिन किस तरह बनता है ठीक है तो एफ एक्टिन बनता अच्छा एफ एक्टिन क्या है अगर आप लेबल्ड देखो तो एफ एक्टेन ये वाला जो आपको डबल कलर्ड जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बीच में ये एफ एक्टेन है ये एफेक्टेन है यह एफेक्टेन है और जो पिंक में जो नजर आ रहा है ये ट्रोपोमायोसिन है और ये जो यहां पे ऊपर थ्री बॉल्स बनी हुई हैं ये 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 ये, ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है अब एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे के ऊपर वाइंड हुए हुए हैं जस्ट जिस तरह के एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर यू करके वाइंड हुआ था ना यूं करके आपस में ठीक है ये बिल्कुल उसी तरह एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे के ऊपर वाइंड किए हुए हैं ठीक अच्छा अब हम जाते हैं डिटेल देखते हैं एफ एक्टिन की कि एफ एक्टिन के अंदर एक्चुअली क्या है अब एफ एक्टिन अगर आप गौर करो ये बजाते खुद ही ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है एफ एक्टिन एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन भी मिलके एक दूसरे के ऊपर वाइंड किए होते हैं मगर एफ एक्टिन को अगर हम देखें तो ये खुद भी एक डबल हेलकर स्ट्रक्चर है जो कि मैंने एक ब्लू और एक ऑरेंज कलर में इसके अंदर बना दिया अभी किस चीज का डबल हेल स्ट्रक्चर है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं एफ एक्टिन बना होता है एफ एक्टिन बेसिकली ये एफ एक्टिन मैंने बना दिया ये वाला ये एफ एक्टिन बना होता है जी एक्टिन मॉलिक्यूल है ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल है ऑरेंज और ब्लू कलर में ये दो कलर्स मैंने इसलिए चूज किए हैं ताकि वो डबल हेल स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर हो जाए मगर इन ऑरेंज और ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स में जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क नहीं है ठीक है तो ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स में ये ये सारे जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए ठीक है जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एफ एक्टिन बना देंगे सिंपल अच्छा मगर हर जी एक्टिन के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप ये ब्लैक कलर चीज देखेंगे ये, ये है एडीपी हर जी एक्टिन के मॉलिक्यूल के ऊपर एडीपी लगा हुआ है ठीक है दिस ब्लैक कलर डॉट

डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं वाइंड करके और उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो बनता है बाय वाइंडिंग ऑफ पॉलीमर्स ऑफ जी एक्टेन वो होता है एफेक्टेन एफ क्या है जी मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है तो जी मॉलिक्यूल आपस पहले में पॉलीमर बना देंगे फिर वही जी एक्टेन मॉलिक्यूल्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देंगे तो ये जी एक्टेन का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जी एक्टेन पॉलीमर्स का वो एफ है आम अल्फाज में कुछ नहीं है ढेर सारे दूसरी जी बात एक, जी एक्टिन मॉलिक एक एडीपी लगा हुआ हमें तो यह भी पता चल गया कि एफ एक्टिन के ऊपर इस तरह वाइंड किया होता है ठीक है अच्छा अब जनाब ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स क्या बला है और इसकी हर एक तीन बॉल्स है यानी कि इसके स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स हैं तो यस वन इज येलो ग्रीन एंड पिंक दिस इज ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी आई टी एंड सी सी क्योंकि ये वह सी ट्रोपोन सी कैल्चियम से बाइंड करेगा इसको ट्रोपोनिन सी कहते हैं ट्रोपोनिन टी को ट्रोपोनिन टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है और ट्रोपोन आई वो पार्ट है जो कि एफ एक्टेन के साथ बाइंड करेगा तो जनाब इसमें तीन चीजें हैं ट्रोपोनिन आई टी और सी यानी कि इसके तीन पार्ट हैं एक पार्ट ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा एक पार्ट एक्टिन से बाइंड करेगा और थर्ड पार्ट कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा ठीक है तो जब ये एक पार्ट ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कर रहा है और एक पार्ट अक, एफ एक्टिन के साथ बाइंड है तो बेसिकली ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन को आपस में बाइंड करा के रखता है आपस में एक दूसरे के साथ वाइंड करा के ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स रखता है ठीक हो गया तो इसके और इसके साथ यहां पर एक तरह का इसने एक तरह का कनेक्शन बनवाया हुआ ठीक है और इन दोनों को साथ रखा हुआ है ट्रोपोमायोसिन और एफेक्टिन को ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ने अब होता क्या है ट्रोपो अब असल हमारा मकसद ये सारा कुछ पढ़ने का ये है कि भाईजान एक्टिन और मायोसिन के बीच में ऐसा इंट्रैक्शन हो कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाए ठीक है और वो आप लोगों को पता है कि मायोसिन की जो क्रॉस ब्रिजेस हैं जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी वो एक्टिन के साथ बाइंड कर जाती हैं ठीक है ठीके? और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ठीक है और ये क्रॉस ब्रिजेस क्या करेंगी ये क्रॉस ब्रिजेस जाके एक्टिन के साथ बाइंड करेंगी और फिर एक्टिन फिलामेंट को दरमियान की तरफ खींच लेंगी एक्टिन फिलामेंट ऐसे पड़ा हुआ क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन को इधर खींच लेंगी और जो इधर एक्टिन फिलामेंट पड़ा हुआ है उसको भी सेंटर की तरफ खींच लेंगी ठीक है तो मायोसिन से क्रॉस ब्रिजेस निकलती हैं ये दोनों एक्टिन है एक्टिन फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट पर लगती हैं और एक्टिन फिलामेंट को इस मीडियली खींचना शुरू कर देती हैं और जो मसल का साइज ये है वो तो मसल का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है तो ऐसे और तो ये मीडियली एक दूसरे को यूं खींचना शुरू कर देंगे ठीक है और मसल का साइज छोटा हो जाएगा तो अब ये बेसिकली हमने ये हमारा मकसद है कि ये जो हेड है ये जाके एक्टिन के साथ किस जगह पे बाइंड करेगा कब बाइंड करेगा क्यों बाइंड करेगा और ये इसको यहां से यहाँ पे मूव किस तरह कराएगा तो ये, ये हमारा मकसद है जिसके लिए सारा स्ट्रक्चर हम हैं ठीक है अच्छा अब ये जो हमारे पास एक्टिन है एक्टिन के ऊपर ये छोटी छोटी क्या है एक्टिव साइट्स हैं एफ एक्टिन के ऊपर विच आर बेसिकली एडीपी ये जो ब्लैक डॉट्स हैं जिनको हम एक्टिव साइट कह रहे हैं जिनको हम एडीपी कह रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आके मायोसिन के हेड ने अटैच होना है तो इनकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी इन पॉइंट्स की अब इन पॉइंट पे आके मायोसिन ने आके अटैच करना है और जैसे मायोसिन इनके ऊपर अटैच हो जाता है तो साथ ही वो कॉन्ट्रेक्शन करा जाता है यू आके अटैच पॉइंट ये मायोसिन है यह कैसे अटैच करेगा और इसको पकड़ के You move करा देगा इस तरफ ठीक है तो अब यह इसके ऊपर अटैच होने से रोकता कौन है यह इसके ऊपर अटैच होने से रोकता है ट्रोपोमायोसिन क्योंकि ट्रोपोमायोसिन इन एक्टिव साइट्स को कवर करके रखता है हैं? तो जब जब तक ये एक्टिव साइट्स को ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखेगा तब तक मायोसिन का हेड इन एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड नहीं कर सकता और जब तक बाइंड नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती ओहो यानी कि अब इतना हमें समझ आ गया कि जब भी ये मायोसिन का हेड पड़ा यहाँ पे फारिग के भाई जान मुझे एक्टिव साइट दिखाओ मैं जैसी मुझे एक्टिव साइट नजर आए मैं जाकर उसके साथ तो अटैच हूँ और कॉन्ट्रेक्शन करवा दूँ ठीक है अब इतना हमें पता चल गया कि जब तक ये एक्टिव साइट्स के ऊपर से ट्रोपोमायोसिन नहीं हटेगा तब तक कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो सकती और इस ट्रोपोमायोसिन के हटाने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं वो ये होता है कि जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब कैल्शियम आयन आएगा मिसाल के तौर पर यह कैल्शियम आयन आ रहा है जब कैल्शियम आयन आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी अब ये कैल्शियम आयन ने कॉन्ट्रैक्शन किस तरह करवाई है कैल्शियम आयन क्या करता है कैल्शियम आयन आके बेसिकली ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है जैसे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स एक ऐसी कंफर्मेशनल चेंज अपने ऊपर और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर करता है कि ट्रोपोमायोसिन इन एक्टिव साइट्स के ऊपर से हट जाता है और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन इन एक्टिव साइट्स के ऊपर से हट जाता है तो इन एक्टिव साइट्स के ऊपर भाग के मायोसिन अटैच हो जाता है और जैसे ही मायोसिन अटैच होता है तो मायोसिन ने तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी है ये लो साथ ही कॉन्ट्रैक्शन उसने करवा दी ठीक है तो सारा ये सारी तैयारी हो रही थी इस जनाब कैल्शियम के लिए कि के कैल्शियम आएगा ट्रोपन कॉम्प्लेक्स के कर साथ बाइंड करेगा ट्रोपन कॉम्प्लेक्स और ट्रोपोमायसन में एक कंफर्मेशनल चेंज होगी जिसकी वजह से ट्रोपोमायशन जो यहाँ पड़ा ना ये और डीप डाउन चला जाएगा और साइड से एक्टिव साइड्स निकल आएंगी एक्टिव साइड्स क्या हैं बेसिकली एडीपी है जो एडीपी कहाँ पड़ा था जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर लगा हुआ था जी एक्टिन मॉलिक्यूल क्या है जी एक्टिन मॉलिक्यूल बेसिकली वो है जो बनाता है एफ एक्टिन को ठीक हो गया। तो ये सारी इसकी स्टोरी थी अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब बेसिकली हेड कहां पे लगेगा और वो कॉन्ट्रेक्शन किस तरह करवाएगा अब यहां तक तो आपको समझ आ गया अब ये जो हेड लग रहा है हेड ये इस हेड uh, को ऐसी क्या बीमारी है किसने कॉन्ट्रेक्शन करा देनी उसका भी तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना ठीक है और उसका मैकेनिज्म कुछ यूं काम करता है दिस पिक्चर वेल एलेबोरेट वट उिटूट टॉकिंग अबाउट जी, अब इसमें क्या होता है हमारे पास तो अब इसमें हम मैकेनिज्म भी डिस्कस जी मैके मायोसिन फिलामेंट है सारा ये एक्टिन फिलामेंट है सारा ठीक है ये एक्टिन फिलामेंट्स की वो एक्टिव साइड्स हैं, जो जो एडीपी थी जो कि जी एक्टिन के ऊपर लगी हुई थी ठीक है तो बेसिकली एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट है जिनके ऊपर मायोसिन के हेड ने अटैच हो जाने और ये जी मायोसिन की आर्म uh, है और ये मायोसिन का है। काट्रेक्शन है? कराता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है एग्जैक्टली exactly ये किस तरह काम करता है और ये इसके काम को समझने के लिए ये वाली डायग्राम हमें पहले समझनी पड़ेगी जो कि यहां पे मैंने बनाई हुई है खुद से यह तो मायोसिन हेड जो है ना ये नॉर्मली इस तरह पड़ा होता है ये इस तरह ठीक है यूं और यूं, इस पोजीशन में यानी कि थोड़ा सा 90 का एंगल बनाया हुआ है या थोड़ा सा कर्व के ऐसे पड़ा हुआ है मायोसिन हेड ठीक है ये हिंज है जहां पे मूवमेंट हो सकती है तो यहां पे मायोसिन हेड नॉर्मल स्टेट में ऐसे ही पड़ा होता है ठीक है अब इस मायोसिन हेड के साथ अगर हम ए लगा दें तो ये ए क्या करता है इस मायोसिन हेड को एनर्जाइज करके इसको खैच के पीछे कर देता है यानी कि इस मायोसिन हेड को इस पोजीशन में ले आता है खैंच के जोर लगा के एनर्जी लगा के जिस तरह के स्प्रिंग होता है ना ये एक मिसाल के तौर पर इसकी पोजीशन हुआ अब अब स्प्रिंग को हमने खेच के ना इस तरह कर दिया यानी कि यूं था स्प्रिंग इसको हमने खेच के ना ये मायोसिन हेड है ये आर्म अब इसको खींच के ना यहां पे एनर्जी लगे ए टीपी ने इसको खींच के यूं कर दिया ठीक है अब और आ गई है वाली पोजीशन और ए ने अपना एडीपी और फॉस्फेट जो था वो यहां पे इसके हेड के साथ ही अटैच कर दिया कि ये लो जी एनर्जी लो और ये लो ये एडीपी और फॉस्फेट जो जो ए टूट के बना था वो इसके साथ ही अटैच रह गए तो ये तो थी इसकी नॉर्मल स्टेट और एटीपी लग के ये अब इसकी कौन सी स्टेट है गाइडनेस से कहते हैं एनर्जाइज कॉकड स्प्रिंग स्टेट जैसे कि एक स्प्रिंग को कॉक्ट स्प्रिंग ऐसे किया हुआ ठीक है तो एनर्जाइज कॉक्ट स्प्रिंग स्टेट है ये वाली मायोसिन हेड की, ठीक है? अब इस स्टेट में जनाब साहब पड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं इस कॉक्स एनर्जाइज स्टेट में पड़ा होता है मायोसिन हेड और इंतजार कर रहा होता है कि जैसे ही कैल्शियम आए और ट्रोपोमायोसिन एक्ट एक्टेन की एक्टिव साइड से साइड पे हटे मैं साथ ही जाके एक्टिव साइड के साथ बाइंड कर जाऊ और जैसे ही ये हेड एक्टिव साइड के साथ बाइंड कर जाता है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सारी एनर्जी ये इस एक्टिन पे लगा देता है और कहते हैं ऐसी की तैसी मैं इतनी देर से ऐसे करके मुझे रखा हो इस को ठीक है अब मैं सारी एनर्जी एक्टिव पे लगा दूंगा ठीक है और ये इसके साथ एक्टिव साइड के साथ बाइंड करते ही जैसी बाइंड करेगा साथ ही है यू मूव कर जाएगा वापस अपनी स्टेट में ठीक है और जैसे ही ये वापस अपनी स्टेट में इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव करेगा तो क्या होगा जिस एक्टिन के साथ ये अटैच हुआ है उसको यहां से खींच के यू इस तरफ मूव कर देगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इफ यू तो ये एक्टिन जो ऐसे पड़ा है ये इसके साथ यहां पर आके लगा है और साथ ही इसने इसको पकड़ के अटैच हो गया तो साथ इसको पकड़ के यूं कर देना क्यों क्योंकि इस पॉइंट के साथ ये अटैच था ठीक और जैसे ही इसको यूं कर देगा तो ये मूवमेंट इस तरफ हो जाएगी तो ये मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे ठीक हो गया और मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी आपने गौर किया कि मसल की कॉन्ट्रेक्शन में हमेशा मसल का साइज छोटा हो, तो हो जाता है ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल का साइज छोटा हो जाता है साइज इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं ठीक है अब मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर यह एक्टन है और ये नीचे से मायोसिन का हेड है तो पहले क्या हुआ मायोसिन का हेड इस तरह पड़ा हुआ था ठीक है अब यहां पे लगा ए और इसने मायोसिन के हेड को यूं खींच के इस पोजिशन पे कर दिया ठीक हो गया अब जैसे ही ऊपर एक्टिव साइड इसे खुली मिलेगी ये सीधा जाके एक्टिव साइड के साथ, साथ अटैच हो जाएगा और सारी एनर्जी लगा के एक्टिन को यहां से यहां मूव कर देगा यूं करके ठीक हो गया अब जैसे ही यूं मूव करेगा इसके बाद क्या होगा अब ये क्या खुद ही से इससे डिटैच हो जाएगा नो 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 ये तो इसकी नॉर्मल स्टेट है अब एक नया ए आएगा और वो इसको दोबारा यहाँ से डिटैच भी करवाएगा और इसको खींच के दोबारा वापस इस कॉक स्प्रिंग स्टेट में लेके जाएगा ठीक है और अगर उस वक्त कैल्शियम अवेलेबल और एक्टिव एक्टिवसाइट्स खाली ली तो ये दोबारा इस पे अटैच होकर इसको दोबारा यूं मूव करा देगा ठीक है तो ये कुछ इस तरह मूवमेंट होती है कि पहले ये ऐसे पड़ा था एनर्जी लगी यूं मूव कर गया ठीक है जैसी एक्टिव साइट मिली अटैच होने की ये दोबारा अटैच हुआ इसने इसको मूव कर दिया इस तरफ को मीडियली एक्टन को ये है है ऊपर वाला ठीक फिर दोबारा एटीपी आया तो एटीपी आके इसको तोड़ेगा तो ये ऐसे टूटेगा और वापस स्टेट में जाएगा और फिर अगर यहां पे नई एक्टिव साइड से खाली मिली हुई है जो कि यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ढेर सारा कैल्शियम पड़ा होता है तो दोबारा से अटैच करेगा और फिर यूं कर देगा फिर वापस आएगा फिर यूं कर देगा तो ये बड़ी स्पीडिली यू यूं करके इसको मूव कर देगा और अगर आप देखें तो इसकी ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर चल रहा है तो दे, इसको हम कहते हैं वॉक अलोंग मैकेनिज्म ठीक है और अगर हम नीचे से देखें तो नीचे मायोसिन पड़ा और है और ऊपर से उसके ऊपर एक्टन इसके ऊपर ऐसे जा रहा है ठीक है तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी बन जाता है उस तो लिहाज से ठीक है तो वॉक अलोंग एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आर बेसिकली एक लिहाज सिमिलर ठीक हो okay. गया तो इस तरह सारी मूवमेंट हो जाती है अब अगर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को हम देखें वो समझाना हो तो उसके लिए ये वाली डायग्राम ज्यादा सूटेबल है अब इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर ये हो रहा है आप देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस डायग्राम के अंदर अब ये है जी डेस्क ये बीच में है एक्टिन फिलामेंट्स ये बीच में है मायोसिन फिलामेंट्स ठीक है ये मायोसिन देखें ये एक्टिन देखें ठीक अब ये रिलैक्स स्टेट रिलैक्स स्टेट के अंदर क्या होता है रिलैक्स स्टेट के अंदर इस तरह होता है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना दोनों साइडों के ये हल्के से एक दूसरे के ऊपर इतने से ओवरलैप किए होते हैं जिस तरह की यहां पर गौर करो ओवरलैप पार्ट को मैंने इसमें भी इसमें भी मैंने हाईलाइट कर दिया येलो से हल्के से ओवरलैप पड़े होते हैं तो ये रिलैक्स स्टेट है ठीक है और इस रिलैक्स स्टेट में ये भी अक्सर हम में पूछते हैं कि सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है सार्कोकोमियर की लेंथ टू माइक्रोमीटर होती है रिलैक्स स्टेट में और इंटरेस्टिंगली नेवर फॉरगेट गैट इस ही स्टेट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रेक्शन भी होती है रिलैक्स स्टेट में जिस स्टेट में थोड़े से एक दूसरे के ऊपर एक्टिन फिलामेंट्स ओवरलैप किए गए होंगे और दोनों टू कॉन्ट्रैक्ट इससे ज्यादा भी होगा तो भी कम इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कम होगा तो भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी वो मैं अगले ग्राफ में आपको एक्जैक्टली exactly समझाता हूं विद डायग्राम्स ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये मायोसिन से लगेगा इस तरफ मूव करेगा तो ये एक एक्टन है ये दूसरे एक ये दो, एक ये तो अब जैसे यहां से इसको इस तरह मूव करेगा दूसरे को स्लाइड तो करते जाएंगे मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते जाएंगे तो इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन ठीक है और पहले तो ऐसे था जब कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट है तो बात है ज्यादा ओवरलैप कर गए एक्टन एक दूसरे के ऊपर ठीक है और ये देखो जी डिस्क यहां पर कितनी दूर है और ये 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 नीचे नीचे देखो ऊपर आ क्रीब आ गए गए तो बेसिकली सार की भी जो तो भी छोटी है था आपका फिलामेंट अच्छा अब अगले ग्राफ से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि बेसिकली ये जो मैंने फोर जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन की बात की है ये एग्जैक्टली क्या इसमें चक्कर क्या है इसमें। तो ये है जी वो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का ग्राफ अब इसमें क्या है ये लेंथ ऑफ सार्कोमियर है साइड पे और इस साइड पे टेंशन डेवलप्ड है ठीक है अब यहां पे गौर करो ये नॉर्मल स्टेट है टू माइक्रोमीटर वाली जिसमें हल्के से ओवरलैप होने लगते हैं हल्के से हो जाते हैं ठीक है ठीके? ये हमारे पास मायोसिन है और ये इनके ऊपर जो ऐसे 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 सॉरी ये हमारे पास एक्टेन है ये जो क्लीन लाइंस है और ये इनके ऊपर मायोसिन फिलामेंट्स है और ये साथ जो ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं ये मायोसिन फिलामेंट्स के हेड ठीक है अब क्या होगा कि इस साइड वाले इस साइड वाले ये एक्टन ये वाला बन गया ये एक्टन नीचे वाला बन गया ठीक ये इसको इस तरफ पुश करेंगे और ये वाले एक्टन को इस तरफ पुश करेंगे ठीक है तो एक्टन फिलामेंट्स इस तरह पुश होते जाएंगे ठीक हो गया? अब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो है ना ये टेंशन डेवलप्ड है वो डिपेंड करता है कि कितने मायोसिन के हेड्स ये कितने एक्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं अब अगर आप इस ऊपर वाली डायग्राम में देखो जब बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ है ऑफ सार्कोमियर जो कि पॉइंट डी है तो यहां देखो यहां तो ओवरलैप ही नहीं कर रहे जब ओवरलैप ही नहीं कर रहे तो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रक्शन क्या होगी बिल्कुल नेग्लिजिबल फिर सी पॉइंट देखो ये वाला सी पॉइंट अब आप देखो तो ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा हो गई है और तकरीबन सारे ही हेड्स ऑफ मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच हुए हुए हैं ये देखो उनके ऊपर आ गए तो यानी कि जब सारे हेड्स ऑफ मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच हो सकते होंगे तो उस मौके पे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मैक्सिमम होगी तो सी पे आप देखो ये सी वाला पॉइंट है इस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन हंड्रेड परसेंट है अच्छा फिर बी पॉइंट पे आ जाओ यहां पर देखो यहां पर कितने हैं यहां पर भी सारे हैं तो यहां पर भी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन हंड्रेड है तो बी और सी की दोनों में ही हंड्रेड है ठीक है अब समझने वाला है पॉइंट ए और ई e. बात है कि ए और ई e में यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन कम क्यों होगी इसमें कम होगी उसमें बहुत ही कम होगी वो इसलिए कि अब ये गौर करना कि इस साइड वाला जो एक्टेन है ये जो एक्टिन फिलामेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता ये देखो ये ये वाला एक्टेन फिलामेंट जो इधर मूव कर गया फिर ये इधर मूव कर गया क्योंकि ये वाले मायोसिन इसको इस तरफ खींच रहे हैं ठीक मगर ये करते 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 और खींचेंगे तो ये इस साइड वाले एक्टिन और मायोसिन के बीच में आना शुरू हो जाएगा ये देखो यहां पे इस वाले नीचे वाले एक्टिन यानी कि ये वाले एक्टिन और ये वाले मायोसिन के ये देखो बीच में आ गए जब इसके बीच में आ जाएगा तो ये इस हेड को इसके साथ अटैच नहीं होने यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में जो अटैचमेंट है वो नीचे वाली अगर आप डायग्राम में देखें तो अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर वाला उसके बीच में आ गया अब इन्होंने तो इधर को खींचना था इसको मगर अगर ऊपर वाले को इधर को खींचेंगे अगर अटैच हो भी जाए जो बीच में है तो तो उस तरफ को डायरेक्शन उस तरफ को खींचेगा तो वो तो उधर से जो इसको राइट साइड पर मूव कर रहा है तो ये वाला मायोसिन इसका अटैच हो गया इसको लेफ्ट साइड पर मूव करने लग जाएगा तो ये तो एनर्जी जया हो जाएगी तो इसलिए जैसे जैसे ज्यादा ओवरलैप होते हैं तो एक साइड वाला एक्टिन दूसरे वाले साइड के एक्टिन और मायोसिन हेड्स के बीच में आ जाता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम कर देता है और अगर तो इसलिए ए में थोड़ी सी कम अच्छा बा, मगर बाकी सारे तो हेड्स सही अटैच हुए अपने रिस्पेक्टिव को मीडियली मूव करवा रहे हैं और मसल को छोटा करवा रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं मगर यहां पर थोड़ी तो थोड़ी सी कम अराउंड क्या एटी परसेंट तक आ गई स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन मगर अब इस ई में देखो कि इतने सारे ऑपोजिट साइड्स ऑफ एक्टिन रिस्पेक्टिव साइड के बीच में बहुत ज्यादा आ गए देखो ओवरलैप करके बहुत ज्यादा इसके और इसके बीच में आ गए तो फिर यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल कम रह गए तो इसलिए जैसे जैसे मसल की लेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम होती जाएगी मगर अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए मसल की लेंथ ठीक है या सार्कोमियर की लेंथ सॉरी तो फिर उसमें भी ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी तो उसमें भी कॉन्ट्रेक्शन हो सकेगी तो मिड में जो ये वाला जो पोर्शन है देखो ज्यादा भी है लेंथ ऑफ सार्कोमियर तो भी टेंशन कम है कम में लेंथ ऑफ सार्कोमीयर तो भी टेंशन कम है जो बीच में पोर्शन है ना यानी कि रिलैक्स्ड पोर्शन नॉर्मल जिसमें होता है उसमें आइडियल ओवरलैपिंग हुई होती है अराउंड टू माइक्रोमीटर और कह लो टू पॉइंट टू माइक्रोमीटर अब, अब, अब वाली उसमें तो वहां पे मैक्सिमम टेंशन डेवलप हो सकती है इन इनकी मसल अच्छा तो ये तो था ग्राफ लेंथ ऑफ सार्कोमियर ऐसे अच्छा ये सिर्फ एक सार्कोमियर की बात हो रही है ये पूरे मसल फाइबर की बात नहीं हो रही अब गाइडन में दो और ग्राफ बने हुए जो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं और वो ग्राफ्स कुछ इस तरह होंगे तो नीचे वाला अगर आप देखो तो नीचे वाले ग्राफ में तो ये था लेंथ ऑफ एक सार को मेयर अगर हम पूरे लेंथ ऑफ मसल की बात करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा ठीक है तो लेट सी दिस अब इसमें दो कंडीशन है लेंथ ऑफ होल मसल ये है ये लेंथ ऑफ होल मसल बढ़ रही और यहां पे वाई एक्स पे टेंशन टेंशन इन द मसल है ठीक है? अब अगर तो मसल रिलैक्स्ड पड़ा हुआ ठीक है अगर तो मसल रिलैक्स पड़ा हुआ है तो क्या होगा जैसे जैसे आपके मसल की लेंथ अगर हम बढ़ा दें मिसाल के तौर पे ये मसल रिलैक्स्ड है ठीक है ये, ये मैं इस, इस फिंगर की बात करते हैं ये रिलैक्स्ड अब जैसे जैसे और ये पीछे अब जैसे जैसे इसकी मैं लेंथ बढ़ाई जाऊंगा इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ बढ़ाई जाऊंगा तो इस मसल के अंदर यहां पर टेंशन ज्यादा डिवेलप हो जाएगी ठीक है यानी कि मसल को जैसे जैसे मैं लेंथ खींचता जाऊँगा उसके अंदर टेंशन ज्यादा डिवेलप होती होती जाएगी इन रिलैक्सड स्टेट तो रिलैक्स स्टेट में तो ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा ठीक है कि जैसे जैसे लेंथ ज्यादा वैसे वैसे टेंशन ज्यादा बढ़ती जाएगी ठीक हो गया जैसे लेंथ ज्यादा वैसे वैसे टेंशन ज्यादा मगर अगर हम इसी को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में देखें यानी कि लेंथ ऑफ मसल और टेंशन इन द मसल ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन हो तो फिर क्या ग्राफ बनेगा तो फिर ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा तो फिर ग्राफ तकरीबन ऐसे बनना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे लेंथ मसल की बढ़ती रहती है तो जब तक वो नॉर्मल लेंथ होगी तब तक ही मैक्सिमम होगा मगर जैसी नॉर्मल लेंथ से भी ज्यादा लेंथ होगी तो ये ओवरलैप करना बंद कर जाएंगे और कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगी तो उसमें ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा ये ऊपर जाएगा नॉर्मल लेंथ पे जाके मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगा ठीक हो गया मगर यहां पे एक पॉइंट टू बी नोटिस ये कम होकर बिल्कुल नीचे नहीं आ जाएगा इस तरह ग्राफ की तरह जो कि सार्को की बात ही पूरा जब मसल होता है तो होता क्या कि एक सार्को कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करता है तो दूसरे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है तो ये यह यहां से ग्राफ वापस ऊपर जाना शुरू कर देता है ठीक हो गया तो ये होता है इन द नॉर्मल से ब्लू वाला ग्राफ है रिलैक्स्ड स्टेट का टेंशन व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन जस्ट मसल को हम खेच के बड़ा कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली ठीक है और ये जो रेड है ये है टेंशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ठीक है और ये है टेंशन वेन द मसल इज इन रिलैक्सड स्टेट और रिलैक्स से ज्यादा अच्छा लफ्ज है कि वन इट्स नॉट कॉन्ट्रेक्टिंग या बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ठीक है ओके सो दिस इज अच्छा और एक और छोटा सा ग्राफ डिस्कस हुआ गार्टन में और वो ये है दैट डिस्कसेज दी रिलेशनशिप ऑफ लोड एंड विलॉसिटी अच्छा ये लोड क्या है जी आप अगर कोई वजन उठा रहे हो अपनी बाजू से ठीक है तो जैसे जैसे वजन ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाती है अगर मैं आपको कहूँ के वन के जी उठाओ ठीक है और अपनी बाजू को वन केजी के जी का डम्बल उठाकर फ्लैक्स करो तो आप फॉरन डंबल उठा के फ्लैक्स कर लोगे ठीक है मगर अगर मैं कहूँ टू के उठाओ तो आपको फ्लैक्स करने की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी अगर मैं कहूँ टेन के जी उठाओ तो आप बिल्कुल ही स्लोली स्लोली उठाओ क्योंकि उठाया नहीं जाएगा और फिर एक लिमिट आएगी जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी केपैसिटी आपके तो यानी कि मैं फिफ्टीन के तक उठा सकूं तो फिफ्टीन के जीज में जाकर बिल्कुल ही बस ही हो जाएगा आप उसको जस्ट उठा के रख सकते हो उसको मूव ही नहीं कर सकते ठीक है तो ये ग्राफ है इसमें है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है मसल पे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल कम होती जाती है तो ये ग्राफ सिंपली लोड और वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का इस तरह बनेगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विलॉसिटी और फिर आखिर जाके ये वो मैक्सिमम लोड है जो आपका मसल उठा सकता है ठीक है और ये यहाँ पे मैक्स और ये मैक्सिमम विलॉसिटी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है जो कि जीरो लोड पे पर आपका मसल task so this was it a bit lengthy part we'll see you in next lecture